नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का निधन हो गया। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एक्टर अरमान कोहली के पिता का शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे निधन हो गया है। अरमान के करीबी दोस्त व प्रमोटर विजय ग्रोवर ने इस खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर आज सुबह नहाने गए थे, जब कुछ देर तक वे नहाकर बाहर नहीं आए तो कथित तौर पर जब उनके बेटे अरमान ने उनके पिता को फर्श पर गिरा हुआ पाया तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद राजकुमार कोहली को अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। उनकी अंतिम संस्कार आज शाम को होगा। बता दें कि उन्होंने दुल्ला भट्टी, लुटेरा, नागिन, जानी दुश्मन, बदले की आग, नौकर बीवी का और राज तिलक जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। राजकुमार का जन्म 14 सितंबर 1930 को लाहौर में हुआ था। राजकुमार कोहली ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था। उनके बेटे अरमान कोहली बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर रहे हैं। वहीं एक बाल कलाकार के रूप में अरमान ने 2 फिल्मों में काम किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों, नागिन के मेकर राजकुमार कोहली का निधन हो गया है। बाथरूम में उनका शव मिला है, जिसके बाद परिवार सदमे में है। परिवार में मातम पसर गया है। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आज शाम को उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। आप सभी दोस्तों से विनती है दोस्तों, कॉमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।